जाए इश्क थैया 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 न जाए इश्क थैया ओ मैडम रुके 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 वाह क्या फ्रेम है ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट हाँ एक फोटो खींचने दीजिए बस बस मैडम थोड़ा लेफ्ट हाँ प्लीज एक फोटो थोड़ा लेफ्ट टर्न कीजिए ना मेरे तरफ दिखिए प्लीज प्लीज फ्रंटल फ्रंटल हाँ क्या बदतमीजी है ये मसाला क्या सूरत है सुपर मॉडल मैडम वाह माय गॉड अरे इसी फ्रेम का तो मुझे कब से इंतजार था भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो आज मुझे मौका दिया और आपको भी मैडम प्लीज एक फोटो एक फोटो मैडम थोड़ा फ्रंटल दिखिए ना थोड़ा प्लीज 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 एक फोटो मैडम प्लीज प्लीज मैडम प्लीज एक फोटो व्हाट व्हाट नहीं मैडम फैशन इंडस्ट्री में सबका व्हाट लग जाएगा मैडम आप सुपर मॉडल लग रही हो मैं आपका ऐसे फोटो खींचूंगा लोग देखते ही रह जाएंगे मैडम आप सोच रहे हैं मैं कैसा वैसा लड़का हूँ नहीं मैडम मैं वैसा लड़का नहीं हूँ मैं एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर हूँ माई सेल्फ लेकोन बर्गेस यू कैन कॉल मी लेकोन मैडम आपका तकदीर अच्छा है मैं आपका फोटो खींच रहा हूँ नहीं मेरा भी तकदीर है अच्छा मैडम एक बात पूछ सकता हूँ आप कोई पार्टी सेटी से आई हो क्या चढ़ा के आई हो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है ज्यादा हो गया और आप रास्ता भटक के वहां से यहाँ चले आए है ना या आपका कोई दोस्त आपको आधी रास्ते में छोड़ के चला गया यही ना तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है नहीं नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं बस मैं ये पूछना चाहता हूँ रात के 12 बजे ये सुनसान रास्ते में आप यहाँ क्या कर रहे हैं हवा खाने आए थे पर क्या करें ये हवा भी आज उपलब्ध नहीं है अरे मैं बातों बातों में भूल गया आप कुछ खाए हैं कि नहीं ठीक है एक मिनट मेरे गाड़ी में बर्गर और बियर है मैं लेके आता हूँ अरे यार मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे शांति से मरने दोगे I want to commit suicide What? Suicide? So... मैडम व्हाट अ जोक मैडम आप लोगों ने ये सुसाइड को पूरा मजाक बना के रखा है अरे ऐसे कोई मरता है थोड़ी हैं? यहाँ से कूदने से क्या होता हाथ पैर टूट जाता देन हॉस्पिटल में एडमिट और नेक्स्ट डे फ्रंट पेज में फोटो के साथ ब्रेकिंग न्यूज और यहाँ आपके घर वाले परेशान अरे मेरे घर वाले परेशान नहीं है परेशान तो मैं हूँ ओ माय गॉड व्हाट ए स्टोरी फोटो विथ कंटेंट वाह इंटरेस्टिंग मैडम बताओ ना अरे प्लीज आपका कहानी बताओ ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज प्लीज क्या है माजरा मैं एक लड़के से प्यार करती थी मतलब अब नहीं करती हो ब्रेकअप
अब लोगों का यही प्रॉब्लम है, लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट। तुम अपना मुंह थोड़ा बंद रखोगे? ओके ओके, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। पर आपका स्टोरी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं जिसे प्यार करती थी, शादी के लिए घर वाले राजी नहीं हुए, और घर वाले जिसको पसंद किए वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे आप जिसको प्यार करते थे उसके साथ भाग के शादी कर लेते? भाग तो गए थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। कौन बोला? रास्ता है ना, आपका घर। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ, चलिए। कौन सा मुंह लेकर जाऊं उस घर में जिस घर से भागी हूं। हाँ, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन, मेरा घर। नहीं नहीं, आप ऐसा मत देखो कि मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कसम से। मेरे साथ मेरे घर चली, मेरे घर पे सिर्फ मेरे दादी माँ रहती है। आप जब तक चाहोगे मेरे घर पे आप रुक सकते हैं, और जब आपको सही लगे तब आप अपने घर चले जाना। तो चले। अरे मैम, इतना क्या सोच रहे हैं, चलिए ना, प्लीज चलिए। आती हूँ। कौन? किसे ढूंढ रहे हो बेटी? किसके साथ आई हो? आपका पोता लिकुन के साथ आई हूँ। लिकुन को तो गुजरे हुए 2 साल हो गए। क्या? मैडम, आप लोगों ने ये सुसाइड का पूरा मजाक बना के रखा है। लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट। तुम अपना मुंह थोड़ा बंद करोगे? ओके ओके, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर पे सिर्फ मेरा दादी माँ रहती है। अब मैं क्या करूं? जाऊं तो फिर कहां जाऊं?